नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। साल 2014 से देश में मोदी सरकार कायम है और लगातार देश के विकास के लिए काम कर रही है। देश के विकास के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इसमें बात चाहे आत्मनिर्भर भारत की जाए या डिजिटल इंडिया की, हर तरफ मोदी सरकार ने अपने फैसलों से गहरी छाप छोड़ी है। तो वहीं भारत को स्वच्छ बनाने के लिए भी पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जो पूरे देश में एक बड़े अभियान के रूप में उभर कर सामने आया है, जो आज भी जारी है। तो वहीं अब इसकी मिसाल इंदौर में देखने को मिली है। दरअसल इंदौर में लगातार वेस्ट टू वेल्थ थीम पर उन सामानों का उपयोग क्रिएटिविटी ढंग से किया जा रहा है जो कि कचरे में फेंकने के लायक थी, लेकिन उसे कचरे में नहीं फेंका गया। इसी थीम पर एक और 4R गार्डन का शुभारंभ किया गया है। मंत्री उषा ठाकुर, निगमायुक्त प्रतिभा पाल समेत अन्य नेताओं ने इसका शुभारंभ किया है। निगम ने सबसे पहले वार्ड नंबर 47 के केशव गार्डन को 4R गार्डन के रूप में तैयार किया था। उसके बाद से अन्य वार्ड के गार्डन भी इसी तर्ज पर तैयार किए गए हैं, 4R के सिद्धांत से तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कचरे में डालने वाले सामान का इस्तेमाल किया जा सके। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 4R है तो है क्या? तो आपको बता दें कि 4R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिसीवर। इसके सिद्धांत पर ही कॉलोनी के वेस्ट से ही गार्डन को विकसित करते हुए स्कीम नंबर 51 स्थित नाना नानी गार्डन को भी 4R गार्डन में तब्दील कर दिया गया है। स्कीम 51 पुलिस चौकी के पास इस गार्डन का नाम ज्योतिबा फुले 4R गार्डन रखा गया है। इस दौरान कई कार्यक्रम भी किए गए, जहां कलाकारों ने गीला कचरा, सूखा कचरा और ई वेस्ट मटेरियल के बारे में जानकारी दी। बता दें कि इस गार्डन को घर से निकले कचरे से डेवलप किया गया है। गार्डन में सफाई कर्मी से लेकर पेड़ पे लटके हुए रंग बिरंगे मटके आपको नजर आने वाले हैं। इसके अलावा खराब हो चुके टायरों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसे सवारा गया है। प्लास्टिक के सामानों को पशुओं का आकार दिया गया है। इसके अलावा बांस और टायर से निगम की गाड़ी भी गार्डन में देखी जा सकती है। गार्डन में वेस्ट टू आर्ट के तहत टायर वॉल भी तैयार किया गया है। के माध्यम से नगर निगम में रखा, मैं कोटि कोटि बधाई देती हूँ सारे स्वच्छता कर्मियों को, निगम की आयुक्त महोदया प्रतिभा जी को, क्षेत्र की पार्षद, सारे MIC मेंबर्स, सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। तो आपने देखा ही कितने सुंदर तरीके से वेस्ट मटेरियल से लोग अपने गार्डन को सजा रहे हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।